Good morning, all of you, highly respected principal sir, teachers and my dear colleague. Today I am feeling very, very grateful to get this opportunity to present my view as a resource person in front of you on the topic of essential component of lesson plan. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेसन प्लान क्यों जरूरी है, लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों है. सबसे इसके लिए हम लेसन प्लान तैयार करने की जरूरत क्यों है, हमें पढ़ाने के पहले कोई भी चीज, मतलब लेसन पढ़ाने के पहले उसे तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है. एंड इम्पॉर्टेंट एसेज ऑफ टीचिंग इज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान इन एडवांस. There are many components of successful lesson plan, such as having a clear objective, knowing that materials you are going to need, and how you plan on assist students after the lesson, understanding different lesson plan. Component can help you plan a lesson that is enriching to your student and provide them with opportunities for success. In this article, we discussed that a lesson plan is six component of lesson plan. The benefit of use one, the classrooms and some lesson planning. अध्यापन कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. शिक्षण का संबंध अधिगम और सिखाने से है. सिखाना या सीखने, प्रेरित करना एक चुनौती है. यदि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा. इसके प्रति आश्वस्त होना पड़ेगा कि हम इन विधियों या रीतियों के प्रति उन पर गंभीरता से विचार कर यह निर्धारित करें कि सीखने के लिए अपनाया जा रहा तरीका उपयुक्त है या नहीं. अतः इन तथ्यों के से स्पष्ट है कि सीखने के लिए प्रेरित करने और सिखाने से पूर्व गहरा चिंतन तथा मनन अध्यापन करवाने से पूर्व शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, चिंतन करना है, फिर उस चिंतन विचार और अपने अनुभवों के आधार पर वह अपने शिक्षण की योजना बनाता है. अध्यापक द्वारा चिंतन करना और योजना बनाना शिक्षण कार्य का सफल बनाने हेतु किया गया शिक्षण से पूर्व का कार्य है. कोई भी लेसन पढ़ाने से पूर्व हमें उसे तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना लेसन प्लान तैयार किए बिना अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम उसे जो जिस तरह से हम उस बच्चे के सामने उस लेसन को समझाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं वो हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे अगर हम पहले से नहीं तैयार किए रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, अच्छा से तैयार लेसन प्लान को नहीं किए रहेंगे तो हमें पढ़ाने में भी कठिनाइयां आएगी और बच्चों को समझाने में भी. तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ाएं या लेसन पढ़ाएं तो उसको हम सबसे पहले तैयार अपना एक सप्ताह पहले या एक दिन पहले उसे पहले हम तैयार करें, उसके बाद उसे बच्चों को समझाएं. इससे क्या होगा कि हमारा भी समय का बचत होगा और हमें जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसे बेहतर तरीके से हम पढ़ा पाएंगे. तो इसके लिए हमें लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी है. लेसन प्लान निम्नलिखित दृष्टिकोण से गंभीरता पूर्वक विचार और चिंतन कर लेना चाहिए. पाठ्य वस्तु से संबंधित छात्रों से का पूर्व ज्ञान क्या है, पाठ्यों का मानसिक स्तर क्या है. पाठ्य वस्तु से संबंधित छात्रों से पूर्व ज्ञान, जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड उस बच्चों से कुछ, मतलब उसके पूर्व ज्ञान के बारे में पता करेंगे कि पहले वो उसके बारे में कितना जानता है. जो भी जैसे हम मान लीजिए कॉन्सनेंट और वॉवेल पढ़ाते हैं तो उसके पहले हम उसे अल्फाबेट पूछेंगे कि वो पहचानता है कि नहीं, उसे अच्छी तरह से वो मालूम है कि नहीं, मतलब कितने अल्फाबेट होते हैं और स्मॉल कैपिटल ये सब जानता है कि नहीं. उसे जानने से वो, मतलब उसको हम समझाने में भी हमारे आसानी होगी कि हम इसे इस तरह समझाएं कि वॉवेल कितने प्रकार के हैं, कॉन्सोनेंट किनसे, तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा. इसलिए उसकी
पूर्व तैयार ज्ञान को जानना जरूरी है। लेसन प्लान बनाने से पूर्व पाठ्य वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, हमें किस तरह से उस बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, जो वो में हम जो समझाना चाहते हैं उसे वो अच्छी तरह से समझ पाए। शिक्षण का समय विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य कौन कौन सी क्रियाएं होगी, जैसे हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाते हैं तो अगर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ उसको बच्चे को समझाएंगे कि इस चैप्टर में इस चीज मतलब ये इसका टॉपिक है, इसके बारे में है, तो उसमें बच्चे को ये जानने का इच्छुक होगा कि हाँ इसमें क्या आगे है, क्या पढ़ना है, इससे तो हम उसे पहले समझाएंगे चैप्टर को, उसके बाद उसे रीड करवाएंगे, पढ़ने को के लिए कहेंगे बच्चों को। जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद उसे हम उस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से पहले समझाएंगे कि वो मतलब इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है, हमें उसे क्या सिखाना है। पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कब और किस प्रकार किया जाए। जब पढ़ाते समय जैसे कोई चैप्टर है, अगर हम साइंस रिलेटिव कोई चैप्टर है, अगर हमें प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो पहले हम एक प्लांट, इससे पहले वो बच्चे प्लांट के बारे में जरूर पढ़े होंगे, जानते होंगे कि हाँ प्लांट कैसा होता है, उसमें मतलब पत्ते होते हैं, डाल होता है या टहनी होती है। तो अगर हमें प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो उससे अगर हम एक प्लांट ले जाकर समझाएं कि मतलब इसमें ये लीव है, ये इसका कलर ग्रीन है या फिर ये इसका स्टीम है, ये इस तरह से अगर पढ़ाएं तो वो बहुत मतलब जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, वो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, उन्हें भी सीखने में भी उन्हें मतलब आगे जानने की उत्सुकता होगी। पाठ्य वस्तु और विद्यार्थियों के उद्दीप्त या उत्तेजित कैसे रखा जाए, पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण करवाते समय श्याम पट पर क्या क्या लिखा जाएगा, शिक्षण करवाते समय यह कैसे जाना जाएगा कि विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं। यदि हम प्लान के बेस में ही पढ़ा रहे हैं तो हम उसे पूछेंगे कि आपने मतलब कोई भी प्लान के बारे में बताओ या कोई पौधा के बारे में बताओ, किस किस कोई फूल के, या तो वो बताएगा कि इसके फूल मतलब पौधे छोटे होते हैं, ये झाड़ी होता है या फिर ये पेड़ होता है, तो पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है, ये सब चीज जो है बच्चों से हम पूछ सकते हैं या जान सकते हैं कि इसके बारे में वो कितना जानता है। जैसे कोई बच्चा बोले पौधा, पौधा क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं पौधे होते हैं, और पेड़ जो है वो बड़े स्ट्रांग और बड़े होते हैं, तो इस तरह से उसे हम पेड़ और पौधों के बारे में अंतर बताएंगे तो वो बच्चा को जो है सीखने में भी उत्सुकता होगा कि हाँ ये मतलब इसके बारे में ये और क्या जाने, या फिर ये क्यों जरूरी है हमें मतलब जानना। तो हमें बच्चों को जो पढ़ाना है उसके रिलेटेड उसको कुछ उदाहरण देके, कुछ सहायक सामग्री द्वारा उसे सिखाएं तो वो चीज वो जल्दी सीख जाते हैं। शिक्षण करवाते इसके पश्चात पूर्व निर्धारित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं इसका भी पता लगाया जाएगा। इसका मतलब एक पौधा है तो उसको हम ड्रॉ करने को देंगे कि तुम एक पौधे का चित्र बनाओ और उसमें क्या क्या है, इसमें मतलब उसका पौधे में क्या क्या चीज होते हैं, मतलब लीव है, मतलब ये कली है या फ्लावर है, फ्रूट है, क्या क्या होते हैं, वो सब चीज ड्रॉ करेगा तो वो उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएगा कि ये ऐसा यहाँ पर पौधा होता है, यहाँ फूल होता है, यहाँ स्टीम होता है, ये सब चीज वो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। जब शिक्षक इन सभी दृष्टिकोण पर विचार कर और निर्णय कर पहुंच जाता है कि वह कक्षा में पढ़ाने के लिए एक क्लास में पाठ्य वस्तु के लिए अपनी योजना को लिखित रूप से प्रदान करता है तो पाठ योजना कहलाता है। पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा, यहाँ पाठ योजना का क्या अर्थ है इसके बारे में बताया गया है कि पाठ योजना शिक्षक द्वारा विषय वस्तु अधिगम या शिक्षण सिद्धांतों के ध्यान में रखकर शिक्षण से पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना है। पाठ योजना की आवश्यकता और उद्देश्य के भली प्रकार विचार, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है,
जैसे कि हमने बताया कि अगर हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाने जाते हैं और अगर उसके बारे में हम खुद नहीं पढ़े रहते हैं या हम कोई उसका योजना नहीं बनाए रहते हैं तो हम उसे अच्छी तरह से उसे इसके पास एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बच्चों को नहीं समझाएंगे। इसके लिए बेहतर तरीका से समझने के लिए, समझाने के लिए हमें पहले सीखना जरूरी है। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी या छोटे छोटे पॉइंट जो है उस बच्चों को समझा के अगर पढ़ाएं तो उसमें वो क्या करेंगे कि रुचि भी लेंगे और हम उसे पढ़ाने में भी उसे आनंद आएगा और हमें भी जो हम सिखाना चाहते हैं वो उस बच्चों को हम सिखा पाएंगे। इसके बाद है पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ की प्रस्तावना लिखते हैं। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण शिक्षक, शिक्षार्थी, अंतक्रिया, श्याम पट कार्य और मूल्यांकन आदि को लिखता चला जाता है। पाठ के अंत में अध्यापक पाठोपरांत मूल्यांकन तथा गृह कार्य का उल्लेखन करता है। उसके बाद उससे जैसे कि हम कक्षा में जाएंगे तो 40 मिनट का हमारा एक क्लास है तो 40 मिनट में एक चैप्टर पढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसे दो तीन भाग में बांट देते हैं। आज हम उसे रीडिंग पढ़ाएंगे, कल उसको हम मतलब उसका स्पेलिंग, मतलब कुछ जो स्पेलिंग है जो बहुत टफ है उसको हम वो लिखने को देंगे, फिर उसके बाद उस स्पेलिंग को कुछ न्यू वर्ड बनाने के लिए देते हैं तो, और उसके बाद उसको अपोजिट सिनोनिम ये सब चीज उस वर्ड का अगर हम बनवाते हैं तो इस तरह से वो बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखने का भी मतलब वो उसमें ये उत्सुकता होती है कि मतलब इसे आज एक क्या बोलते हैं वर्ड दे दिए, कोई बड़ा वर्ड है उसको दे दिए, उसको बोलेंगे इसे न्यू वर्ड बनाओ तो बच्चे क्या होंगे कि उससे बहुत सारे वर्ड बनाएंगे, न्यू वर्ड बनाएंगे, इस तरह से वो उनका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और वो कुछ नया भी सीख जाएंगे। उसके बाद शिक्षक को शिक्षण को सफल बनाने के लिए विवेकपूर्वक योजना निर्णय करने के स्वतंत्र है। पाठ योजना के लिए साधन है ना कि साध्य है। इसके लिए पाठ योजना शिक्षक के लिए साधन है ना कि साध्य। वह शिक्षण को केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाकर मूल्यांकन में सहायक है। पाठ योजना के शिक्षार्थियों ने अनेक परिभाषा दी है, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। बेसिंग के अनुसार पाठ योजना उस वितरण का नाम है जिसे यह स्पष्ट किया जाता है कि किस पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और उन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं में फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यावहारिक रूप का उल्लेखन ही पाठ योजना है। वाइनिंग एवं वाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियां तथा प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना है। आइवर के डेविज के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का उल्लेख पाठ योजना है। शिक्षक कक्षा शिक्षण की पूर्व अवस्था ही पाठ योजना होता है। जैसे हम कक्षा से पूर्व जाने के पहले जो हम तैयारी करके जाते हैं उसी को पाठ योजना कहते हैं। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार शिक्षण से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उसे उल्लेखन को ही पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के प्रकाश में भी यह देखा जा सकता है कि शिक्षण की व्यवस्था रूप से संपन्न करवाने के लिए उपयुक्त परिभाषाओं के प्रकाश में ही भी हम देख सकते हैं कि शिक्षण को व्यवस्थित रूप में संपन्न करवाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर लिखित रूप में दे देना पाठ योजना होता है। यह योजना है अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, लेकिन शिक्षकों का इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि शिक्षण कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। अतः शिक्षा अध्यापन करवाते समय अध्यापक को
कक्षा की स्थिति के अनुरूप ही पाठ योजना का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि पाठ योजना बनाते समय हमें समय का भी ध्यान रखना है। अगर हमें 40 मिनट का एक पीरियड है तो हमें उसे 40 मिनट में ही उसे ऐसे योजना बनाएं कि उसे हमें उतने समय में ही उसे पूरा करना है। तो हम उस समय का ख्याल रखते हुए हम उस पाठ योजना को तैयार करेंगे और उसके बाद उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ ये प्रश्न रखेंगे जो कि बच्चे को कितना समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये उसे उसके मूल्यांकन के लिए हमें 2-4 प्रश्न उसे पूछेंगे उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चा कितना सीखा और कितना नहीं सीख पाया है। इस प्रकार पाठ योजना की उपयोगिता और महत्व। नियोजित शिक्षक का अर्थ है निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यचर्या और नियोजित शिक्षण। पाठ योजना का सबसे बड़ा महत्व, मार्शल के शब्द में पाठ योजना के 2 विशेष लाभ हैं। एक तो उत्तम शिक्षण में योग देती है और दूसरी उत्तम शिक्षण का निर्माण करती है। पाठ योजना के महत्व और उपयोगिता को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। शिक्षक के उद्देश्यों की स्पष्टता। जो शिक्षक बच्चों को समझाना या पढ़ाना चाहता है उससे वो उसकी उद्देश्य स्पष्ट होती है कि हमें आज ये चैप्टर पढ़ाना है तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा उदाहरण देके बच्चों को पढ़ाएं कि वो बच्चे उस अच्छी तरह से उसे समझ जाएं। तो सोचिए कि हम जो लेसन प्लान या हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चा समझ जाता है तो हमारी शिक्षा जो है सार्थक हुई। जो हम समझाना चाहते थे वो बच्चे अगर समझ जाते हैं तो भी हम मतलब जो पढ़ना चाहते हैं उसे सरल तरीका से अगर स्पष्ट करें, अगर उसे कठिन शब्दों का ना इस्तेमाल करें उसमें, अगर हम सरल शब्दों में उस बच्चों को समझाएं तो उसे वो जल्दी समझ पाते हैं। विषय वस्तु का स्पष्टता। पाठ योजना में अध्यापक अपनी विषय वस्तु को भी स्पष्ट करता है। वह भली प्रकार से इस पर विचार कर लेता है कि मुझको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। इस तरह से अध्यापक पाठ्य वस्तु को स्पष्ट कर उसका विश्लेषण करता है और पाठ योजना में निर्धारित समय पर उसका उल्लेखन करता है। तो हमें कितना पाठ योजना में हम यही योजना बनाते हैं कि हमें इतना 10 मिनट इसे पढ़ाना है, उसके बाद उसमें 10 मिनट के बाद उस बच्चों को मतलब उसमें उस टॉपिक के अपेक्षा कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसे रीडिंग पढ़ाना है, तो उसमें क्या क्या करना है इसका हम योजना पहले से बना लेते हैं। अगर हम योजना नहीं बनाते हैं और ऐसे ही अगर हम किसी क्लास में कुछ बिना लेसन प्लान के जाते हैं तो फिर हम आधा घंटा 10 मिनट हमें सोचने में लग जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए हमें ये पाठ योजना बनाना बहुत आवश्यक है। शिक्षण विधि का चयन। पाठ योजना निर्माण से पूर्व अध्यापक को क्या पढ़ाना है तथा क्यों पढ़ाना है के साथ किस प्रकार पढ़ाना है इस पर भी विचार करना है और यह विचार अध्यापक से उपयुक्त शिक्षण विधि में चयन करवाता है। तो जैसे हम कोई लेसन प्लान में अगर हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाएं जो बच्चों को जल्दी समझ में आए, इसके लिए हम कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद कुछ कुछ टॉपिक उसमें ऐसा डालते हैं जो बच्चे को आसानी से उस स्टोरी या भी जो भी मोरल पढ़ाते हैं वो समझ जाए। उसके बाद हम बच्चों को मतलब वो समझाएं समझ पाए कि नहीं, उससे एक दो बच्चों से अगर हम उसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है एक बच्चा कोई जवाब दे कोई ना दे। तो फिर हम उसके बाद समय का सदुपयोग। पाठ योजना निर्माण करने से पश्चात शिक्षक का कार्य व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। फिर शिक्षक को भटकने की गुंजाइश ही नहीं रहती। वह अपनी कक्षा में अध्यापन करवाते समय क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है और इससे समय से अधिक कार्य होने की गुंजाइश होती है। यदि हम लेसन प्लान बना के जाते हैं तो हमें इधर उधर या फिर कोई चैप्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आज हम ये पढ़ाएं, चाहे क्या मतलब रीडिंग करवाना है या क्वेश्चन करवाना है।
या कुछ वार्ड मीनिंग करवाने हैं, तो वो अगर वो तैयारी से जाएगा तो उसे मालूम होगा कि हाँ मुझे आज ये करवाना है, तो वो जो भी मतलब क्लास में जाएगा तो सबसे पहले वो पढ़ाई के बारे में ही बात करेगा और बच्चे से मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब आज हमने ये पढ़ाना है तो इसके बारे में आपको पहले से क्या पता है, ये पहले वो जानेगा। उसके बाद उसके आगे जो नवीन ज्ञान है उसको बच्चों को बताएगा। उसके बाद है गृह कार्य। पाठ योजना में गृह कार्य का प्रावधान भी होता है। शिक्षक की योजना में उल्लेख करना होता है कि गृह कार्य के रूप में छात्र का क्या कार्य दिया जाए, उसमें ये जो चैप्टर के संबंधित उसे बच्चे को कितना कार्य मतलब कितना टास्क देना है, कैसे देना है, ये सब भी हम लेसन प्लान में पहले से तैयार करके रखते हैं कि आज हम बच्चों को इतना ये दो प्रश्न देंगे और उसके बाद हम मतलब दूसरे दिन फिर उसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिबद्ध शिक्षक के लिए पाठ योजना का अनंत महत्व होता है। पाठ योजना के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित और प्रभावी नहीं हो सकता। शिक्षण का सफल बनाने में पाठ योजना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो पाठ योजना तैयार करने से हमें कितने लाभ होते हैं, हमें समय का भी बचत होता है, प्लस हमें जो पढ़ाना है वो हमें पहले से तैयार रहता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं होती है कि हमें इसके बारे में क्या पढ़ाना है, हमने पहले से तैयार रखा है तो हम जाके क्लासरूम में जाएंगे तो बच्चों को उसके बारे में पहले टॉपिक लिखेंगे कि आज हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चे से उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके कितना पहले से उसके बारे में वो जानता है, उसके बाद हम उसको उसके बाद जो ज्ञान है वो हमें जो देना है वो हम उसे अच्छी तरह से समझा पाएंगे। प्रारंभ में भारत में हर्बर्ट की पंचवटी प्रणाली पर आधारित पाठ योजना बनाई जाती थी। हर्बर्ट की पद्धति प्रणाली में पद निम्नलिखित प्रकार से है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, मूल्यांकन। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज भी इन अनुसरण किसी न किसी रूप में किया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ योजना हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। हालांकि ब्रिटिश उपागम और अमेरिकन उपागम का भी प्रभाव योजनाओं पर होता है। मूल्यांकन उपागमम मूल्यांकन उपागम बी एस ब्लू के देन है कि मूल्यांकन उपागम में शिक्षण के पश्चात विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। इन व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन भली प्रकार तभी संभव है जब उद्देश्यपूर्ण और निर्धारण भली प्रकार से किया गया हो। उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण यों विभाजन तथा उसके आधार पर मूल्यांकन इस उपागम द्वारा निर्मित पाठ योजना की विशेषता है। इस उपागम अधिगम अनुभव के आधार पर ज्ञान देने का पक्षधर है। कैल्पेट का मानना है कि विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने और अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवन से संबंध रखने वाले योजना के माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान देना चाहिए। इसके अनुसार अधिगम का आधार योजना परियोजना है। कल्प्रिट ने परियोजना विधि के 7 पद्य सुझाए हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना चयन करना, योजना का उद्देश्य, योजना नियोजन, योजना का क्रियान्वयन, कार्यों का मूल्यांकन, योजना पूर्ण होने से पर लेख और लिखना। कोई भी जैसे पढ़ने के बाद उसके बाद क्या समझे, हम लोग कितना समझे उसके बारे में कुछ लिखने के लिए देते हैं। किसी स्टोरी है, स्टोरी का एक ये क्या बोलते हैं उसको
टाइटल लिखें उसका, एक मैंने ये स्टोरी आज पढ़ा है तो उसका टाइटल लिखिए, फिर उसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढेंगे कि इसमें क्या कितने प्रश्न उत्तर बनेंगे। उसके बाद इस तरह से हम उस जो पढ़ाए हैं जिस लेसन को उसके बारे में हम बच्चों से समझेंगे कि कितने वो समझे हैं और कितना, मतलब जो हमने समझाया है उसे कितने अच्छी तरह से वो समझ पाए हैं। ब्रिटिश उपागम, इस उपागम के केंद्र बिंदु शिक्षक है। इस प्रणाली पर आधारित पाठ योजना बनाते समय शिक्षक की क्रियाओं तथा विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार शिक्षक को प्रभावशाली क्रियाओं पर शिक्षण निर्भर करता है। शिक्षक की क्रियाएं जितनी अधिक प्रभावी होगी शिक्षार्थी उतनी ही भली प्रकार से सीखेंगे। अमेरिकन उपागम, इस उपागम में अधिगम उद्देश्य पर बल दिया जाता है। उद्देश्य को भली प्रकार स्पष्ट और परिभाषित करने के बाद शिक्षक विद्यार्थी अंत क्रियाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वो निर्धारित उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त कर सके। इसमें उद्देश्य, व्यवहार तथा मूल्यांकन का प्रमुख स्थान है। भारतीय उपागम, भारतीय उपागम पर ब्रिटिश उपागम तथा अमेरिकन उपागम का प्रभाव है। सन 1960 के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना पर अनेक प्रयोग किए गए। इसके फलस्वरूप परिणाम योजना बनाने का एक नवीन उपगम प्रस्तुत किया गया जिसमें शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक क्रिया तथा छात्रों के मूल्यांकन को महत्व दिया गया। उपयुक्त कुछ प्रयुक्त उपागम है जिसमें उपयोग भारत में पाठ योजना बनाते समय किया जाता है। वास्तव में दैनिक पाठ योजना का स्वरूप यंत्रवत नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षण कार्य यांत्रिक क्रिया नहीं है। पाठ योजना शिक्षक प्रक्रिया को समझाने में सहायक है, वह साध्य नहीं है, साधना है। साधारण हम शिक्षण प्रक्रिया से निम्न बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। शिक्षण उद्देश्य, अध्यापन संस्थितियां, मूल्यांकन प्रविधियां। जब हम प्रचलित उपागमों पर पाठ योजना को देखते हैं तो पाते हैं कि पाठ योजना का कोई भी प्रारूप उपयुक्त तीनों तथ्यों से परिधि से बाहर नहीं हो सकता। पाठ योजना का सोपान, स्टेप ऑफ लेसन प्लान, ऊपर प्रक्रिया को भारतीय उपागम ने तीन तथ्यों में द्वारा स्पष्ट किया गया है। यदि एक शिक्षक इन तीनों बिंदुओं से संबंध में एकदम स्पष्ट हो तो उसे अपना पाठ व्यवस्थित रूप से बनाने और अध्यापन कराने में कोई परेशानी नहीं होती। पाठ योजना के विभिन्न उपगमों की चर्चा पहले की जा चुकी है, उस आधार पर पाठ योजना के हमें बनाने चाहते हैं। पाठ्य सूचन या प्रकरण सूचन, प्रस्तावना के पश्चात शिक्षक पाठ्य सूचन या प्रकरण सूचन करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट ज्ञात हो जाए कि किस प्रकरण या अध्यापन करना है। इस कथन से संदिग्धता की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा विद्यार्थी निश्चित दिशा में बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकरण विसूचक को उद्देश्य कथन भी कह सकते हैं। प्रकरण विसूचक पाठ की प्रस्तावना और पाठ के विकास के बीच की कड़ी है। यह हमें ध्यान रखनी चाहिए कि केवल प्रकरण की सूचना मात्र देना मात्र पाठ विसूचक या प्रकरण सूचक नहीं है, बल्कि वह पाठ को रोचक बनाने वाला तथा पढ़ाए जाने जा रहे पाठ के केंद्र भाव को स्पष्ट करने वाला कथन है। आजकल कुछ अध्यापकों इसे केवल औपचारिकता पूरा करने वाले कथन समझते हैं। इसका कारण है अध्यापकों द्वारा रोज प्रस्तावना के बाद यह कहना कि आज हम यह पढ़ाएंगे, यह एक मनोरंजक वैज्ञानिक तथ्य है।
कि किस बात को बार बार उसी रूप में दोहराना रुचिकर और आकर्षक नहीं होता। कुशल शिक्षक सदैव ऐसी स्थिति में से बचता है। वह अपने प्रकरण सूचक को भिन्न वाक्यों द्वारा बदल बदल कर रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। कभी पाठ का उद्देश्य केवल शीर्षक बताता है मात्र से पूरा नहीं होता। ऐसी स्थितियों में उस प्रकरण का केंद्र भाव प्रकार विसूचक या पाठ्य सूचक के स्पष्ट कर देना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रकरण भी सूचक सरल और स्पष्ट शब्दों में आवश्यक होता है। पाठ का विकास प्रकरण सूचक या पाठ्य भी सूचक का पश्चात अध्यापक पाठ का विकास करता है। पाठ के विकास पाठ योजना में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार ही किए जाता है। पाठ का विकास में अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और अध्यापन स्थितियों आदि का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर अध्यापक को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को भी शिक्षण बिंदुओं के रूप में लिखना चाहिए। पाठ्य के विकास को विभिन्न सोपान में विभाजित करना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इससे प्रत्येक सोपान की समाप्ति पर बोध प्रश्न पूछकर पाठोगत मूल्यांकन का अवसर अध्यापक को मिल जाता है, जो कि विद्यार्थी के अधिगम को स्थायी करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। साथ ही अध्यापक को भी इस बात का पता भली प्रकार लग जाता है कि विद्यार्थी पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को सीख पा रहे हैं या नहीं। यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह अपने पाठ को विकास किस प्रकार करता है। पाठ के विकास की कसौटी उद्देश्यों के अनुरूप चुनी गई शिक्षण युक्तियों होती है। ये शिक्षण युक्तियां विषय और प्रकरण की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। भाषाओं के पाठों में गद्य विकास की भिन्नता और समानता को बारीक से समझना चाहिए। श्यामपट सार पूरे पाठ का सार लिखने के लिए शिक्षक को सहज सुलभ साधन श्यामपट होता है। इसी कारण इस प्रक्रिया का नाम श्यामपट सार हो गया। अध्यापक को श्यामपट सार लिखने के अनेक लाभ है। प्रमुख लाभ को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, सारांश लिखने से पूर्व पाठ का चित्र मस्तिष्क में उभर आता है, जो विषय वस्तु समझाने में सहायक होता है। दूसरा है, श्यामपट सार में विद्यार्थियों में ग्रहण किए गए ज्ञान को स्थायी होता है। श्यामपट सार को विद्यार्थी द्वारा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा जाता है, जिससे वह स्मृति में स्थायी बनाता है। श्यामपट सार विद्यार्थियों के पास लिखित अभिलेख है रूप में रहता है। श्यामपट सार से विद्यार्थी की लेखन क्षमता का विकास होता है। यह अध्यापक के लिए पाठ को पूर्ववृत्ति में सहयोग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाठ योजना से श्यामपट सार देने से कुछ तरीके नियम अनुसार हो सकते हैं। पाठ के विकास का साथ पाठ शिक्षक पाठ के विकास के साथ साथ क्रमबद्ध रूप से एक और मुख्य शिक्षण बिंदुओं को लिखता चला जाता है और शेष शिक्षक हिस्से में चित्र, आलेख, चित्र अन्य या बिंदु का वितरण लिखता रहता है। श्यामपट सार में विकास में विद्यार्थी का सहयोग मिल जाता है। पाठ के अंत में श्यामपट सार विकास तरीके से पुनर्वृत्ति के प्रश्नों के साथ शिक्षक श्यामपट सार मुख्य मुख्य बिंदुओं को रूप में लिखता चला जाता है। यह तरीका अध्यापक के लिए सुविधाजनक होता है। लपेट फलक पर पूर्व तैयारी यह ढंग प्राय तब काम में लिया जाता है जब या तो अध्यापक का लेख सुंदर न हो या फिर विषय वस्तु बहुत बड़ी हो और उसे कम समय में श्यामपट पर लिखना संभव न हो सके।
भाषा का शिक्षण में भी कविता पढ़ाते समय यह तरीका काम में लिया जाता है। इस तरीके से मैं अध्यापक लपेट फटक पर श्याम पट शार लिख कर ना ले आते हैं और अक्षर आने पर उसे टांग कर उसे वो विद्यार्थियों को समझाते हैं। उसके बाद है अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे उद्देश्य छूट जाए, कम से कम एक प्रश्न प्रत्येक उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। जो भी वो पढ़ाते हैं उसे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न उसे जरूर बच्चों से पूछना चाहिए। अध्यापक के प्रश्न के साथ इस उद्देश्य का भी संकेत दे देना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति इस प्रश्न कर रहा है या नहीं, मतलब ये प्रश्न उसका आंसर सही है या नहीं है, ये हमें उसे बताना पड़ेगा बच्चों को कि हाँ ये जो आपने प्रश्न का उत्तर दिया है ये सही है या गलत है। गृह कार्य, यह पाठ योजना के अंतिम सोपान होता है। गृह कार्य पाठ योजना का आवश्यक अंग होता है। इस सोपान में अध्यापक को पाठ योजना में विद्यार्थियों को दिए गए नियम कार्य का उल्लेख करना होता है। गृह कार्य में से विद्यार्थियों में अधिगम स्थायी होता है और विद्यार्थी शैक्षणिक विकास में सहायक अच्छे और योजनाबद्ध नियम कार्य के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नियमित कार्य का पठन प्रकरण से सीधा संबंध होता है। नियमित कार्य द्वारा प्रकरण से संबंध उद्देश्य की पूर्ति होती है। नियत कार्य विद्यार्थियों में योग्यता अनुसार दिए जाना चाहिए। नियत कार्य व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होनी चाहिए। कार्य विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप दिया जाना चाहिए। नियत कार्य की भाषा सरल स्पष्ट और बोधगम होनी चाहिए। पाठ योजना से परिचयात्मक और सामान्य सूचनाओं का उल्लेख होता है। पाठ योजना में उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण करके उन्हें व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में स्पष्ट लिखना चाहिए। शिक्षण करवाने के समय अध्यापक किन क्रियाओं कौन कौन सी होगी यह स्पष्ट उल्लेख न हो। शिक्षण करवाते समय विद्यार्थी किन क्रियाएं कौन कौन सी होगी यह भी स्पष्ट उल्लेख न हो। शिक्षण करवाते समय शिक्षक विद्यार्थी अंत क्रिया कौन कौन सी होगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख न हो। पाठ में से संबंधित प्रत्येक क्रिया निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित हो। छात्र की पाठ संबंधी कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए इसका वर्णन पाठ योजना में हो। पाठ योजना में संक्षेप में यह भी वर्णित हो कि उसमें किस स्थान पर कौन से सीखने के नियम, कौन से सिद्धांत और शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखा जाए। पाठ योजना में इसका स्पष्ट उल्लेख न हो कि शिक्षक कौन सी सहायक सामग्री को कहां और किस प्रकार उपयोग में लाए। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया हो कि छात्र पाठ में अधिक से अधिक रुचि ले सके। इस तरह हमें पाठ योजना बनाने के इतने सारे मूल जो हमारे ये तथ्य थे इसको हमने सीखा कि पाठ योजना बनाने से हमें किन किन परेशानियों का सामना न करके हम जो अपने बच्चों को जो लेसन पढ़ाना चाहते हैं उसको हम अच्छी तरह से उसके बच्चों के सामने समक्ष रख पाएंगे। इसके बाद पाठ योजना की परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन लेसन प्लान। अकॉर्डिंग टू विनिंग टू विनिंग डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व टू डिफिनिंग द ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर द डिटरमाइन एंड मेथड्स एंड प्रोड्यूसर्स। विनिंग और विनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों की परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु को चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियां और प्रक्रियाओं को निर्धारण करना भी होता है।
रुकिए है प्रस्तुतिकरण की विधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारण करना, ये सारी योजना पर आधारित होता है कि दैनिक पाठ योजना या डेली लेसन प्लानिंग पर आधारित हो। इन्होंने इस बात पर समझाने का प्रयास किया है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ वी मेड टू डिफाइन लेसन प्लान ए ड्राफ्ट ऑफ लेसन पुट अपॉन पेपर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैटर ऑफ मेथड क्लियरली मेक। जोसेफ लैंडन के अनुसार पाठ योजना को हम एक कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित कर की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं। यह विधि से इस तरह से हम परिभाषा से हम योजना बनाते हैं जिसके अनुसार अध्यापक अपने नवीन ज्ञान को बच्चों के समक्ष सहायक सामग्री द्वारा माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष सुनिश्चित अवधि में अंतर्गत एक पाठ को प्रस्तुत करता है। उसे जो बच्चे को हम समझाना चाहते हैं उस योजना के क्रम से हम उसे आसानी से और सरल तरीके से हम समझा सकते हैं। शिक्षक से पूर्व निर्धारित कर लेता है कि उसे कक्षा में पाठ या विषय हो गया शिक्षक कार्य में जाने से पहले शिक्षक ये सोचता है कि किन शिक्षण बिंदुओं का समावेश शिक्षण के लिए किया जाए, कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं अर्थपूर्ण होंगे, शिक्षण का प्रारंभ कैसे और किन बातों से किया जाए। इससे प्रकार की बातें या प्रश्न पाठ योजना के द्वारा मिल जाते पाना संभव है। पाठ योजना एक पूर्ण निर्धारित योजना होता है, तो हम इसी विषय पर आज पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व के बारे में समझे कि हम सबसे पहले तो इसमें क्या क्या आवश्यकता है, पाठ योजना की आवश्यकता पर जिस तरह से ये योजना बनाने को किसी पाठ योजना को पढ़ाना है तो उसे योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता और उससे क्या हमें महत्व प्राप्त होगी। तो सबसे पहले प्रभावी शिक्षण के लिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए पाठ योजना कक्षा में उचित शिक्षण वातावरण को प्रभावित शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम पहले से सोचकर योजना बनाते हैं कि किस तरीके से प्रशिक्षण का कार्य करने हैं और वातावरण कैसा होता है, शैक्षणिक होता है तो हमारा टीचिंग कैसी होगी, इफेक्टिव टीचिंग होगी। दूसरा हम बात करते हैं कि आत्मविश्वास योजना यदि पहले से बनाई होती है तो शिक्षक को क्या होता है, जो कि वो पढ़ाने वाला है, जो उसे समझाने वाला है, उसके लिए वो उसमें आत्मविश्वास आता है। पाठ के बारे में उसे पहले से पता रहता है कि उसे किस तरह से और किस तरीके से उसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और उसे पहले से तैयारी की रहती है तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। पूर्व जानकारी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर बात करती है कि पाठ योजना शिक्षक को शिक्षण कार्य में प्रयोग होने वाली साधन सामग्री उससे पूर्व ज्ञान होता है कि क्या हम इसे क्या क्या सहायता सामग्री हमें इसके लिए आवश्यक पड़ेगी, जो पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं, इसके बारे में शिक्षक को पहले से ज्ञान होता है। समय का अधिकतम सदुपयोग होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है कि हमने पहले से एक योजना बनाई है यह पाठ की कि उससे शिक्षक को यह सोचना नहीं पड़ता कि पढ़ाना कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि ये सब पहले से निर्धारित होता है कि योजना के तहत कि इसके लिए हमें समय की बर्बादी नहीं होती और हम समय का मैक्सिमम उपयोग होता है, क्रमबद्ध
उत्सुकता आदि है। अगर हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं अगर उसे पहले से हम तैयारी से आते हैं तो उसमें क्रमबद्धता भी आती है, मतलब हम उसे अच्छी ढंग से पढ़ा पाते हैं, हमें उसमें कुछ बीच में परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। और उसे ये पाठ योजना इसके कारण जो भी ये विषय वस्तु का पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ हम पढ़ाते हैं कि हमें क्रमबद्धता आती है, साथ ही साथ समस्या और कठिनाइयों से पूर्व अभ्यास हो जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ाने में हमें क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है, उसे हम पाठ योजना बनाते समय उसे हम दूर कर लेते हैं। हमें यह पढ़ाना है या ये टॉपिक पढ़ाना है, ये सब चीज हम उसमें पाठ योजना में पहले से ही तैयार रखते हैं। पाठ योजना बनानी है तो हमें यह होती है कि इस शिक्षण में जो भी कठिनाई आती है उसका हमें पूर्व ज्ञान हो जाता है कि जिसे हम शिक्षक पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तथा अपनी समस्या और कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं। अच्छी विशेषताओं का समावेश, अच्छी समावेश होता है तो यहाँ पर विशेषताओं का समाहित करने हेतु शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण समस्त गुणों और विशेषताओं को भी समाहित करने हेतु शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। सीमा निर्धारण होता है तो इसमें जो है सीमा निर्धारण में यह बात आती है कि ये योजना है, जब हमने कहा कि समय की मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं तो उसका कार्य एक समय सीमा तक ही होता है, निश्चित किया जाता है कि हमें इतने टाइम में ही इसको कंप्लीट करना है। तो शिक्षक को पहले से ये पता होता है कि कौन सा कार्य किस समय हमें कितना करना है, किस पद पर और कितना स्किप करना है, ये सब इसे पहले से ही हमें मालूम होता है। तो हम इस तरह से हम पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व को समझ पाए। पाठ या विषय वस्तु को छात्र के समक्ष किस क्रम में किन विधियों एवं किन शिक्षक सहायक सामग्रियों की सहायता से और कैसे समय में प्रस्तुत करना है, ये सब जानकारी हम पाठ योजना में ही तैयार कर लेते हैं कि ये सारी बातें पाठ योजना के अंतर्गत हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पाठ योजना के आवश्यक बिंदु क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लान। भाषा की सरलता, यहाँ हम बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाषा की सरलता जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसको एक सरल ढंग से उसे पेश करें ताकि वो बच्चे को अच्छी तरह से उसे समझ आए, उसमें कोई जटिल या कठिन शब्दों का इस्तेमाल हम यूज ना करें बच्चों को पढ़ाते समय। तो उससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज को जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, और यदि हम उसके बदला जटिल या कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो बात बच्चों तक कम पहुंचेगी। वो भाषा, इसीलिए भाषा का सरल होना बहुत जरूरी है। पाठ योजना बनाते समय ऐसे ही अध्यापक को ये ध्यान देना आवश्यक रहता है कि पाठ योजना की भाषा जो है सरल और आकर्षक हो, यानी कि हमें उस पाठ को बहुत ही सरल एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना है। तो उसमें जो प्रकरण और संबंधित जो भी उदाहरण है वो भाषा उचित प्रयोग भली भांति करना है एवं सरलता से किया जाना चाहिए, छात्रों में पर ज्यादा ही प्रभाव डालेगा। अगर हम कोई सरल भाषा का उपयोग करते हैं तो वो छात्रों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक और छात्र दोनों ही उस उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे है जिसे विषय वस्तु को शिक्षक को समझाना है और छात्र को समझना है। विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक और छात्र अध्यापक को अपने विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि जो भी पाठ या जो भी लेसन या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके हमें उसका पूर्व ज्ञान पहले होना चाहिए। यदि हम उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा तो उसे हम बच्चों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे, उसमें स्पष्टता नहीं आएगी। इसलिए हमें पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें जो भी तथ्य पढ़ाए या टॉपिक पढ़ाए उसे समझा पाए अच्छी तरह से और
उससे जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो पाए। इसमें फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि योजना बनाते समय सबसे पहले तो हम जो हमें उद्देश्य है, जो हमें क्या पढ़ना चाहते हैं, वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास, अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो उसे हम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे बच्चे प्रयास ही नहीं करेंगे। उसके बाद पाठ्य योजना का निर्माण में उद्देश्यों का स्पष्ट होना अति आवश्यक है कि हम पढ़ाने वाले क्या हैं और बच्चा समझ क्या रहा है, हमें किन तरह से पाठ्य योजना का विकास करना है, तो उसमें उद्देश्यों की स्पष्टता जरूरी है। पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों से क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक वितरण से है जिन्हें शिक्षक कक्षा में पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक में शैक्षणिक लक्षणों का प्रतिक्रियाओं का नियम पाठ्य योजना पर निर्भर करता है। निर्माण से मनोवैज्ञानिक शिक्षण संभव हो पाता है। पाठ्य योजना विभिन्न परिस्थितियों में संयोजन की संभावना को बढ़ाती है जिसमें शिक्षण प्रभावी होता है। पाठ्य योजना शिक्षण को पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद को क्रम अनुसार याद करने में सहायता करती है। पाठ्य योजना जो है कक्षा में नियंत्रण तथा प्रगणन के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन में सहायक है। योजना के माध्यम से बालकों में पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है। बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कराने और विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से एक निश्चित समय में प्रस्तुत करने के लिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। पाठ्य में स्वाभाविक विकास और पाठ के मध्य बालकों में क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ्य योजना के माध्यम से मूल्यांकन विधियों और व्यवस्थित निर्धारण किया जा सकता है। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को पाठ्य योजना व्यवहारिक रूप प्रदान करती है जिससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी तथा सरल बनती है। शिक्षक की विभिन्न व्याधियों और प्रविधियों को भी प्रयोग करने के लिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। पाठ्य योजना का निर्माण में शिक्षक सामग्री का उपयोग भी सहायक करती है। कक्षीय शिक्षण के दौरान छात्रों में नित क्रियाओं पर पाठ्य योजना लेसन ऑब्जेक्टिव कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए लेसन प्लान। ऑब्जेक्टिव डिफाइन एंड व्हाट स्टूडेंट आर गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग द लेसन एंड एक्सप्लेन हाउ टू लर्निंग इज गोइंग टू असिस्ट आफ्टर यू राइट एन ऑब्जेक्टिव इन द लेसन प्लान। You can write it on the board and day of lesson plan. Teacher usually update objective every day and review them the students so they know what goal they are striving to achieve. मतलब हमने lesson plan में जो पढ़ाया, जो बच्चों को सिखाया, वो बच्चों को कितने तक समझ आया कि नहीं आया, इसके लिए हमें उन्हें जो हम chapter पढ़ाते हैं उसे हम समझने के लिए, उसे बच्चों से पूछने के लिए हम उसे जो भी उसे रिलेटिव क्वेश्चन या प्रश्न देते हैं उसे एक एक करके हम कक्षा में उसे पूछ सकते हैं कि वो बच्चे कितने सीखे या नहीं। अगर बच्चा कोई नहीं आता है, जिसको नहीं समझ में आया, अगर दूसरा बच्चा वो बोलेगा तो उसे सुन के भी उसको हम मतलब वो समझ पाएगा कि हाँ ये ऐसे समझाया गया है, इसको हमें इतना इस तरह से इसको पढ़ना है या सीखना है। तो इसलिए लेसन प्लान बनाने से पहले हमें बच्चों के बारे में मतलब ये सोचना पड़ेगा कि वो किस एवरेज के हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो उसे हम उस तरीके से छोटे छोटे उदाहरण या
क्या बोलते हैं उसको, ये एक्टिविटी कुछ करा के इसे समझा सकते हैं इसके बारे में। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज अभी हमें पढ़ाना है, तो उसके बारे में उसे चित्र दिखा के या फिर कुछ उसका कलर पूछ के कि कौन सा कलर का होता है ये चीज सिखा सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो उन्हें प्लांट ट्री या किसी चीज का एग्जाम्पल दे के एनवायरमेंट में उसे घुमा के कि मैंने यहाँ क्या क्या हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सा चीज है, जैसे वो बच्चे घूम कर देखेंगे तो वो उसमें क्या करेंगे अपने उसे नोट करेंगे कि हाँ हमने ये चीज देखा है। तो इसे हमें जो पाठ योजना के अंतर्गत हमें इसे भी उसके अंतर्गत रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को अगर हम कुछ नया चीज सिखाएंगे तो वो जरूर उसे आकर्षित होंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम उसे रोज एक ही चीज पढ़ाने वाला या क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ भी दे देते हैं तो उसे क्या होते हैं वो बोर होने लगते हैं, तो उसे वो नहीं करना चाहते हैं। अगर हम कोई वर्ड लेके देते हैं उसे बोलेंगे उसे मेक ए न्यू वर्ड, तो वो नए नए वर्ड बनाएंगे, या उसका किसी दिन हम उसे बोलेंगे कि उसमें से जो चैप्टर है उसका कुछ अपोजिट सिनोनिम कुछ लिख कर लाओ, पॉइंट एक दो अंडरलाइन करा देते हैं कोई हार्ड वर्ड, तो उसको वो करके लाते हैं, उससे वो क्या होता है उसको वर्ड पावर भी बढ़ता है और अदर बच्चे भी देखते हैं कि हाँ इसने इतना लिखा है, तो वो भी कोशिश प्रयास करते हैं कि हमें मैंने करना चाहिए। उसके लिए हमें बच्चों को कुछ मतलब रिमार्क भी देना पड़ता है कि अगर उसे अच्छे रिमार्क देंगे तो वो उससे प्रेरित होकर उसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उसे समझेंगे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझ गए, हमें कुछ गुड कभी गुड दे दिए कभी कुछ स्माइल फेस बना देते हैं, तो इससे भी बच्चे को बहुत अंदर ये उत्सुकता होता है कि आज मैंने ये किया तो हमें गुड मिला है, तो दूसरे दिन वो जरूर कोशिश करेंगे कि हम कुछ और अच्छा करके लाएं, या फिर हम ही कुछ अच्छा सिखाते हैं तो इससे हमें भी बच्चों के साथ भी कुछ सीखने को ये मिलता है कि हाँ बच्चे किस तरह से जो चीज हम नहीं जानते वो भी बच्चे बता देते हैं, कि ऐसे अगर हम कोई वर्ड देते हैं अगर बच्चों को मतलब ये वर्ड दे दिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक टीचर जैसे दे दिए ठीक है, तो इसे बोलेंगे न्यू वर्ड बनाओ, तो बच्चे या तो फिर बोलेंगे इसी में से कुछ दो तीन और वर्ड बनाओ, तो ये लोग क्या करेंगे एक ये बना देंगे तीन चार वर्ड तो जरूर बना देंगे, ही लिख दिए इसमें हर लिख दिए और कितने वर्ड आएंगे इसमें, तो वो उसमें ढूंढ ढूंढ के और सारे बहुत वर्ड पावर भी उसके बढ़ेंगे और वो नया नया भी चीज सीखेंगे। तो इस तरह अगर स्पेलिंग नहीं याद करते हैं तो वो क्या करेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट मतलब वर्ड बना बना के उसे सीखेंगे और उसे याद भी कर लेंगे, तो हमें कुछ ऐसा उसमें करना पड़ेगा कि जो हम उसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ नया सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया चीज लाना ही पड़ेगा। अगर हम रोज रोज एक ही चीज एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं या फिर कोई बोरिंग कहानी सुनाते हैं तो वो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, और बच्चों में जैसे कि अगर हम कोई अच्छा स्टोरी सुनाते हैं तो सब बच्चे क्या हो ध्यान से सुनेंगे आपके बातों को सुनेंगे, आपके स्टोरी जो आप लेसन पढ़ना चाहते हैं वो भी सुनेंगे, कुछ नया दीजिएगा तो भी हाँ आज मैम कुछ नया कराने वाली है तो सुनेंगे। लेकिन अगर हम जाते हैं क्लास में कुछ पढ़ाने लगते हैं लगातार तो वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, बोर होते हैं, रोज एक ही काम है एक ही चीज मैम पढ़ाती है, तो इसीलिए हमको उस बच्चे को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कुछ नया सिखाने के लिए हमें कुछ नए नए जो पद्धति है फिर नया नया कुछ खोजना ही पड़ेगा, लेसन प्लान में नया तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कुछ अपने आइडिया लगा के कुछ नया नया बनाना पड़ेगा तभी हम सिखा पाएंगे अच्छी तरह से। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सबसे पहले हमको भी प्रिपेयर होके आना पड़ेगा और हमें तब जाके हम अच्छी मतलब लेसन प्लान तैयार करके अगर हम अच्छा लेसन प्लान आते हैं करके तो हम बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं और वो भी बच्चे भी बहुत खुशी से उसे पढ़ना चाहेंगे कुछ नया सीखना चाहेंगे। तो आजकल तो मतलब क्या बोलते हैं इंटरनेट का है तो बच्चे को अगर कुछ दे देते हैं लिखने का तो वो तुरंत मोबाइल में से सर्च करके लिखेंगे कि हाँ ये जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना ना पड़े, थोड़ा थोड़ा हो गया तो बुक पढ़ेंगे नहीं तो उसमें नया वर्ड कैसे निकालेंगे। तो उसमें अगर हम अंडरलाइन कराते हैं इसमें बोलेंगे कि इसमें चैप्टर में से तुम इसमें 50 ऑपोजिट वर्ड लिखो इसमें जो ऑपोजिट वर्ड, तो वो क्या करेंगे उसमें जरूर ढूंढेंगे कि हाँ इसमें से ऑपोजिट कौन कौन सा है किसका ऑपोजिट बनाना है। अगर ऐसे हम एक दो वर्ड दे देते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ वहां से पूछ पाछ के लिख कर चले आते हैं, तो उसी बहाने वो
जरूर बुक को रीडिंग करेंगे और उसमें से वो ढूंढेंगे, चाहे जो क्या बोलते हैं उसका टफ वर्ड है वो उसको निकालेंगे, उसमें से न्यू वर्ड बनाएंगे, उसका सिनोनिम लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे, इस तरह से वो बहुत चीज सीख जाएंगे उस चैप्टर के इससे। इसलिए एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमें उसमें तरह तरह के मटेरियल जो लाना पड़ेगा जिससे बच्चों को सिखाने के लिए। तो इस तरह से अब हम हमारा ये लेसन प्लान का जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।